नमस्कार, आप स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। आज बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में सभी मंत्री भी मतदान करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी मंत्री सुरेश कुमार शर्मा भी मतदान केंद्र मतदान करने पहुंचे। आपको बता दें कि मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। आइए आप भी पहले सुनिए वीडियो में कि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। जनता हमको आश्वस्त कर चुकी है, रोड शो में ही उन्होंने बता दिया कि आपकी जीत है और देखिए जीत के लिए बधाई लोग ये लोग साथ लेके आए हैं, तो इससे लगता है कि जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। विरोधी बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको कहने दीजिए, कहते रहते हैं। विरोधी का काम ही दूसरा क्या है, विकास तो करना नहीं है, यही सब कुछ बोलना है। हम लोग इसको कुछ माइंड ही नहीं कर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुरेश कुमार शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, उस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि विरोधी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उस पर उनके साथ खड़ी उनकी बहू ऋचा शर्मा ने वहां पर जवाब दिया कि जब लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं तो बदनामी करते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए पहले आप वीडियो में सुनिए कि ऋचा शर्मा ने कैसे क्या कुछ कहा। कि जब बराबरी कोई नहीं कर सकता है तो बदनामी करने लग जाता है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी से किया गया काम एक दिन जरूर रंग लाएगा। आपको बता दें कि सुरेश कुमार शर्मा ने मतदान केंद्र जाने के पहले सुबह में सुंदरकांड का पाठ कराया और हनुमान जी की पूजा भी की थी। अब ये पूजा कितनी सफल होती है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।